तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ चांद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चांद भाई का नेपाली। हम लोग बढ़ रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ और यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे आपको। और बगल में देख सकते हैं ये बर्फ़ से ढकी चादरें, और इससे भी ज़्यादा बर्फ़ हमको आगे मिलेगी मुक्तिनाथ टेम्पल पे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और बैक कैमरे से पूरे नज़ारों को दिखाएंगे और यहाँ की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैक कैमरे से और यहाँ के सुंदर नज़ारों को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों टीम हमारी आगे चल रही है और हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये खूबसूरत सा एक गांव है और ये देख सकते हैं बर्फ़ अभी भी जमी हुई है और इससे ज़्यादा बर्फ़ हम लोगों को ऊपर मिलेगी। तो ये कुछ रास्ता है और यहाँ की सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं तो ऐसे रास्ते हैं, आप देख सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप बगल में, ये बर्फ से ढका पूरा एवरेस्ट माउंटेन, बहुत सुंदर सा नज़ारा। बहुत ही चढ़ान सा रास्ता और सांसें अभी उखड़ रही हैं तो आगे क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे वो मुक्तिनाथ टेम्पल है और हम लोगों को उतनी ऊंची चढ़ाइयों पर चढ़ना है। तो हम लोग इस समय है रास्ते ही में, तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड लास्ट तक, दिखाएंगे आपको मुक्तिनाथ टेम्पल जो विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बर्फ़ अभी भी, मतलब अगर आप मार्च में आते हैं तो बहुत बेस्ट टाइम है, हल्की ठंडी भी मिलेगी आपको, और अगर फरवरी में आते हैं तो काफ़ी बर्फ़ मिलेंगे और ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मार्च और अप्रैल तक कुछ बर्फ़ें यहाँ ख़त्म हो जाएंगी, इतनी बर्फ़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो मार्च का महीना मतलब बहुत बेस्ट है और आप काफ़ी अच्छे तरह से आप घूम सकते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत कम रहती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मुक्तिनाथ का मेन गेट है और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। तो हम लोग गेट में इंटर कर चुके हैं और मंदिर वहाँ है, इन सीढ़ियों से चल के वहाँ पहुँचेंगे। तो दोस्तों पीछे के नज़ारे की बात करें तो आप सामने देख सकते हैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयाँ और सामने गगनचुम्बी एवरेस्ट माउंटेन, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं, खूबसूरत सा माहौल। और हम लोग चढ़ रहे हैं मंदिर से ऊपर की तरफ और हम लोगों की सांसें उखड़ रही, ये है यहाँ का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत सा माहौल बनता हुआ दिखता हुआ, और ये है सीढ़ियाँ। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम लोग मेन गेट पे पहुंच चुके हैं और जाने वाले हैं मंदिर यानी टेम्पल के अंदर की तरफ। और ये देखिए यहाँ का कुछ रूल नियम है। और दूसरी बात एक और बता देते हैं कि आप अगर हेलीकॉप्टर से भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सुविधा है, आप सामने देख सकते हैं हेलीपैड का एक बना हुआ है और कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता है मुक्तिनाथ टेम्पल का, जो बाहरी दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है और सामने ये घाटियाँ खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। तो हम लोग मिलते हैं टेम्पल के अंदर। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं और मंदिर के हम लोग इंटर हो चुके हैं और मुक्तिनाथ बीच रूपण ये क्षेत्र है और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। काफ़ी मुश्किल सा हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बर्फ़ का पानी है जो ऊपर से पिघल कर इन रास्तों से होता हुआ नीचे जाता है, बहुत ही मेहनत भरा काम है और हम लोग की सांसें उखड़ रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 108 वाली धारा वाली ये यहाँ से ये पानी गिरता है और इन पानियों से नहाते हुए लोगों को
क्रॉस करना रहता है। तो चलिए पूरी 108 जो ये धाराएं बह रही हैं इसको हम आपको विजिट कराते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल है, काफ़ी ठंडा माहौल और इस ठंडे पानी में नहाना कम बात नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी हिम्मत भरा काम, ऐसा काम अच्छे अच्छे लोग जो है नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कोई मन्नत मांग रहे हो क्या? हाँ भाई। तो यहाँ से जब लोग इससे जो पूरा कर लेते हैं ये यहाँ परिक्रमा, तो फिर इस यहाँ पर जाते हैं और इसमें इस ठंडे पानी में लोग डुबकियाँ लगाते हैं। आप देख सकते हैं सामने कितना ठंडा पानी है और लोग इसी में डुबकियाँ लगा के निकलते हैं, बहुत ही कठिन मामला। आप ये सामने देख सकते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल है और इस समय जो है जो 17 मार्च 2022 में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर लोग नहा धोकर पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लगाए हुए हैं। तो सामने देख सकते हैं ये मंदिर में जाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है और अभी मंदिर के कपाट खुले नहीं हैं, तो लोग यहाँ लंबी कतारें लगाए हुए हैं और आगे भी दिखाते हैं कि उन कोई। तो ये था मुक्तिनाथ टेम्पल का कुछ दृश्य, अभी कपाट खुले नहीं है, देख सकते हैं लोगों ने कतारें लगाई हुई है और यहाँ पे लोग काफ़ी देर से लंबी लगाएं लगा के खड़े हुए हैं। तो और भी कुछ नज़ारों को दिखाते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या यहाँ पे है अच्छी चीज़ें, उसको भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहाड़ों से बर्फ़ पिघलता हुआ और यहाँ से ऐसे जाता हुआ आप देख सकते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं बौद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ मुक्तिनाथ टेम्पल के बगल में। तो आप जो है कि यहाँ पर घूम भी जा सकते हैं और इसी के जस्ट फ्रंट में गगनचुंबी हिमालय जो बर्फ़ से अभी ढका हुआ है और धीरे धीरे बर्फ़ें पिघल रही हुई हैं। और सामने देख सकते हैं ये नेपाल का झंडा है और इस तरह से यहाँ का था कुछ इस तरह का नज़ारा। और हम चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इन वादियों के बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या विचार बनता है कि इन नज़ारों को हम लोगों को देखने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने कैसा बनाया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यहाँ के नज़ारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या हम लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा आपका। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, मैं फिर दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक चांद बाइकर की तरफ से सभी दर्शकों को धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।